तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुलेट 350 XES और क्लासिक 350 के बारे में, और दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं कि दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा बाइक जो है वो बाय करना चाहिए, और दोस्तों प्राइस का कितना डिफरेंस है, सारी बातें करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है संदीप कैंथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बुलेट 350 XES की। तो इसमें दोस्तों आपको तीन कलर मिल जाते हैं, और अगर मैं दोस्तों बात करूं क्लासिक की तो क्लासिक आपको 12 कलर में मिल जाता है दोस्तों, और 5 अलग अलग वेरिएंट में ये बाइक आपको मिल जाता है दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके फीचर से, तो फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके टायर की बात करते हैं, तो टायर आप देख सकते हैं दोस्तों जो बुलेट 350 ES है ये आपको 90x90 का टायर मिल जाता है, C8 और MRF का दोनों के टायर मिल जाते हैं, और स्पोक्स जो है इसमें आपको ब्लैक पाउडर कॉटन में मिल जाते हैं, और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS में ही ये बाइक आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों क्लासिक की तो इसमें 190 का फ्रंट वाला टायर मिल जाता है आपको, जो कि C8 और MRF दोनों में मिल जाता है, और आपको ट्यूबलेस भी मिल जाता है और आपको ट्यूब टाइप भी मिल जाता है। कुछ जो डार्क सीरीज है आपको उसमें ट्यूबलेस भी मिल जाते हैं, और नॉर्मली आपको ट्यूब टाइप ही इसमें मिलते हैं। स्पोक आप देख सकते हो सिंगल चैनल ABS ये बाइक है, तो इसमें आपको ब्लैक पाउडर कॉटन में मिलेंगे। अगर आप डबल चैनल ABS लेते हो तो आपको ये दोस्तों अलॉय में भी मिल जाता है, और आपको क्रोम वाले व्हील भी मिल जाते हैं। और ये दोस्तों सिंगल चैनल ABS में भी मिल जाती है क्लासिक, और डबल चैनल ABS में भी मिल जाती है। बाकी दोस्तों बॉडी की बात करें इसकी तो आप देख सकते हो सारी मेटल बॉडी में ही है। अगर मैं ES की बात करूं और क्लासिक की बात करूं, ये भी आपको मेटल में ही मिल जाती है। अगर मैं हेडलाइट की बात करूं तो क्लासिक की थोड़ी चेंज है तो हलोजन टाइप ही, और ES की बात करूं ये भी आपको हलोजन टाइप ही मिल जाती है। पायलट लैंप आपको दोनों में मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो। अगर मैं इसके मिरर की बात करूं तो साइड मिरर दोनों में चेंज मिलेंगे आपको। अगर ES की बात करूं तो आपको ABS प्लास्टिक में मिलेंगे, अगर मैं बात करूं क्लासिक 350 की तो आपको ये मेटल में मिलेंगे, आपको क्रोम और ब्लैक दोनों में ही मिलेंगे दोस्तों। और अब बात करते हैं हैंडल बार की, तो हैंडल बार आपको दोनों में ही क्रोम में मिलेगा, ये आप देख सकते हो क्लासिक 350 ये भी क्रोम में है। अगर मैं ES की बात करूं तो ये भी क्रोम में मिलेगा। स्विचेस की बात करूँ, स्विचेस चेंजेस हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी चेंजेस यहाँ पे रोटेटरी स्विच मिल जाते हैं। अगर मैं ES की बात करूँ तो आपको वही रेट्रो टाइप इसमें स्विच मिल जाते हैं। मीटर की बात करूँ तो मीटर जो है ES में आपको एक एनालॉग मीटर ही मिल जाता है, और ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो 160 तक की स्पीड। यहाँ पे सिर्फ आपको रिजर्व की इंडिकेशन मिलेगी, आपको इंजन मेलफंक्शन की इंडिकेशन मिलेगी या ABS की इंडिकेशन मिलेगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों क्लासिक की तो इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों ही मिल जाते हैं। 160 तक की स्पीड दिख रही है आपको यहाँ पे, ये देखिए। अगर मैं मीटर की बात करूं यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेशन आपको मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी ट्रिप एफ भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। और इसमें जो पार्ट है दोस्तों इसमें नेविगेशन भी लग जाता है सिर्फ, लेकिन क्रोम वर्जन में आपको नेविगेशन मिल सकता है, और इसमें आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है। और अगर फ्यूल टैंक की बात करूं तो ES में आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, अगर मैं क्लासिक की बात करूं तो आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। इसमें लोगों का फ़र्क है, अगर मैं ES की बात करूं यहां पे क्रोम में 3D में लोगो मिल जाते हैं, अगर मैं बात करूं क्लासिक की तो इसमें भी 3D में है, लेकिन यहां पे स्टिकर चेंजेस हैं, अलग अलग वेरियंट में अलग अलग इसमें डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। सीट की बात करूँ दोस्तों तो सीट आप देख सकते हो क्लासिक में आपको डबल सीट में मिल जाता है, और ये आप सिंगल भी कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं ES की तो आपको ये सिंगल सीट में ही मिलेगा, जो कि रेट्रो लुक एक देता है प्योरली। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, सस्पेंशन आप देख सकते हो क्लासिक में 6-way एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, तो इसमें आपको 5-way एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं। दोनों में आपको सैडीगर्ड मिल जाएगा ब्लैक में, ये आप देख सकते हो। अगर मैं ग्रैब रेल की बात करूं दोनों में ही आपको ब्लैक ग्रैब रेल मिल जाती है। और रेयर टेल लाइट की बात करूं तो ES में आपको बल्ब टाइप टेल लाइट मिल जाती है, अगर मैं क्लासिक की बात करूं इसमें आपको LED टाइप इसकी टेल लाइट मिल जाती है। और इसके जो इंडिकेटर हैं ये राउंड में मिलेंगे आपको क्लासिक में, और क्रोम का साथ में कॉम्बिनेशन होगा। अगर मैं ES की बात करूं और ब्लैक का कॉम्बिनेशन साथ में मिलेगा, ये भी राउंड में होंगे लेकिन ये थोड़े बड़े दिखेंगे आपको। पीछे से
स्टैंडर्ड में या ES में आपको नंबर प्लेट मिलेगी ब्लैक कलर में, क्लासिक में आपको यहाँ पे नंबर प्लेट ऐसे नहीं मिलती। मडगार्ड दोनों का आपको पता है मेटल में ही मिलता है। साइड बॉक्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये भी मेटल में ही है, यहाँ पे बुलेट 350 का लोगो मिलेगा। अगर मैं क्लासिक की बात करूँ तो आपको यहाँ पे भी 350 का लोगो मिलेगा क्लासिक का, ये भी मेटल में ही है। और साइलेंसर की बात करते हैं, एग्जॉस्ट की बात करते हैं, तो क्रोम में ही आपको ES में इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है। अगर मैं क्लासिक की बात करूं तो इसमें भी आपको क्रोम में ही एग्जॉस्ट मिलेगा, लेकिन दोनों के साउंड में फ़र्क है वो भी मैं आपको स्टार्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले अब इंजन की बात कर लेते हैं। क्लासिक 350 में ऑल न्यू J1 सीरीज़ का इंजन मिल जाता है आपको, जो कि 20.2 की BHP क्रिएट करता है और 27 Nm की इसकी टॉर्क है, और वाइब्रेशन इसमें बहुत कम है इंजन में। और अगर मैं ES की बात करूं तो इसमें UCE इंजन मिल जाता है EFI, जो कि 19.8 की BHP क्रिएट करता है, 28 न्यूटन मीटर की इसकी टॉर्क है, और ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। इसका साउंड जो है वो थोड़ा एक थम्पी साउंड होगा, थोड़ा डिफरेंट साउंड आएगा इसका। और अगर मैं इसकी चेसी की बात करूँ तो ES में आपको सिंगल डाउन ट्यूब चेसी मिल जाती है, अगर मैं क्लासिक की बात करूँ आपको डबल डाउन ट्यूब चेसी मिल जाती है। दोस्तों आपको बाइक जो है स्टार्ट करके इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ, पहले क्लासिक का। ये क्लासिक का साउंड है। अगर मैं ES की बात करूँ, ES में ये साउंड आएगा इसका एग्जॉस्ट, बिकॉज ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो इसका थोड़ा थम्पी साउंड होगा। और दोस्तों क्लासिक में किक अब नहीं आती। अगर मैं ES की बात करूँ तो अभी भी इसमें किक आ रही है, बिकॉज ये UCE इंजन है। दोनों के प्राइस की बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ES की तो ES दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस आपको लुधियाना पंजाब में पड़ता है 1,63,338, और ऑन रोड आपको दोस्तों 1,93,734 रुपीज़ का मिलेगा। और अगर मैं क्लासिक की बात करूं तो ये जो हेल्सन सिंगल चैनल है ये एक्स शोरूम प्राइस 1,92,889 का मिलेगा आपको, और ऑन रोड अराउंड 2,27,000 का पड़ेगा। और इसका जो लोअर वर्जन है दोस्तों जो कि रेडिच है, ये 3,000 रुपये सस्ता मिलेगा आपको इससे, और दोनों में तकरीबन 30,000 रुपये का डिफरेंस है, और बहुत ही कम डाउन पेमेंट पे आप दोनों बाइक जो है वो बाय कर सकते हो। ES अराउंड 10,000 और क्लासिक अराउंड 12,000। और अगर मैं दोनों में आपको बताऊं कि कौन सा लेना चाहिए, तो अगर आपको प्योरली एक मैकेनिकल और रेट्रो बाइक चाहिए तो आप जो है ES बाय कर सकते हो, बिकॉज ये एक 1932 का मॉडल है जो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, बुलेट 350। और अगर मैं क्लासिक की बात करूं तो अगर आपको रेट्रो के साथ साथ एक स्टाइलिश लुक चाहिए जिसमें कि आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो और 12 कलर आपको मिल जाते हैं, और अगर आपने राइड भी करनी है तो उसके लिए कंफर्ट भी चाहिए, तो मैं आपको क्लासिक प्रेफर करूंगा अगर आपका बजट 30,000 बढ़ सकता है तो। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।